नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। अपने घर से वो 4-5 दिन पहले ही पति के पास रहने आई थी। पति प्राइवेट प्रैक्टिस करता था। किराए के एक कमरे में शुरू हुई पति पत्नी की जिंदगी में खुशियां नहीं भर पाई और एक रात सब कुछ खत्म हो गया। सुबह लोगों को कमरे में महिला की लाश पड़ी मिली, जबकि उसका डॉक्टर पति फरार था। क्राइम कंट्रोल में आज हम डॉक्टर के खूनी साजिश से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। हरिद्वार में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। कमरे के अंदर से उसका शव बरामद हुआ तो इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के भनक लोगों को सुबह उस वक्त लगी जब महिला के भाई ने कमरे का ताला तोड़ा। हत्या का आरोप महिला के पति पर ही है, जो झोलाछाप डॉक्टर है और वारदात के बाद से ही फरार है। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ कत्ल की एक वारदात की गवाह बनी है। सुबह सुबह कमरे के अंदर महिला की लाश पड़ी होने की खबर मिली तो सनसनी फैल गई। महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और यहाँ अपने पति के साथ रहती थी। महिला के गले पर निशान मिला है, जिससे आशंका है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। पति किराए का कमरा लेकर रहता था और उसी में डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करता था। महिला कुछ रोज पहले ही पति के पास आई थी। सुबह जब हम आए अपना दुकान हमने, तो इनका जो लेडीज है इनका भाई आया हुआ था, तो उसने कहा कि वो ताला लगा हुआ है, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, खाया पिया नहीं, कुछ ताला तोड़ना है, कुछ सामान दे दो। तो हमने उसको हथौड़ा दे दिया। उसने हथौड़ा जैसे यहाँ पे आके थोड़ा अंदर उसने देखा, वो चिल्लाया, हम लोग उधर से भाग के आए। यहाँ पे भाग के आगे हमने देखा तो अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पूरा गला वाला उसका काला हो रखा था। वारदात थाना सिडगुल इलाके के हेतमपुर गांव की है। पुलिस को यहां नवविवाहित महिला का शव मिलने की खबर मिली थी। महिला का नाम रमा था। उसका पति अरविंद, जो झोलाछाप डॉक्टर है, यहां पिछले कुछ महीने से रह रहा था। रमा का भाई भी उसी मकान में अलग कमरा लेकर रहता है। सुबह उसने कमरे में बाहर से ताला लगा देखा तो जीजा की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जब उसने ताला तोड़ा तो अंदर बहन की लाश पड़ी हुई थी। तो वहां पर देखा कि एक लेडी है जिसका नाम है श्रीमती रामा और रहने वाली है वो गौरीपुर थाना गोपाल नगर उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल की। वो 4-5 दिन पहले यहां पर आई थी। उसके पति यहां डॉक्टरी के प्रैक्टिस करते हैं, झोलाछाप डॉक्टर है, जो करीब 2 महीने से यहां पर है और उसी दुकान में ही वो रह रहे थे। तो उसने जो है उसका रात को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और सुबह भाग गया। पुलिस का कहना है कि पति अरविंद ने ही गला घोंटकर पत्नी की हत्या की, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। दोनों के कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। शाम को दोनों खाना खाकर सोए थे, सब कुछ ठीक था, पर रात में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात सामने आई, ये अभी तक साफ नहीं है। उस लेडी का भाई जो कि मकान मालिक के मकान में ही अलग रह रहा था, तो वो आया तो उसने 9 बजे जब देखा तो दुकान में ताला लगा हुआ था। उसने पहले अपने जीजा को ढूंढवाया, उसके बाद जब ताला तोड़वाया तो वो डेड बॉडी अंदर मिली है। उसके फिर FIR हो गई। महिला की हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। महिला के भाई और उसके घर वालों से पूछताछ जारी है, लेकिन हत्याकांड की असल वजह आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगी। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरिद्वार से आशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वो दावत खाने के लिए घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद उसकी लाश बरामद हुई। गोली मारकर शख्स की हत्या की गई थी, लेकिन उसे किसने और क्यों मौत के घाट उतार दिया ये किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि किसी ने फोन कर उसे बुलाया था। तो क्या दावत के बहाने किसी दोस्त ने ही उसकी हत्या कर दी?
युवक के कत्ल की वारदात इटावा की है। परिजनों की चीख पुकार किसी का भी कलेजा छलनी कर देगी। जवान बेटे की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बेटे की लाश मिलने की खबर घर पहुंची तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पल भर में दुनिया उजड़ गई। माँ का कलेजा जैसे फट पड़ा। पिता ने किसी तरह खुद को संभाला ताकि टूट चुके परिवार को सांत्वना दे सके, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि बेटे की हत्या किसने और क्यों की। लेकिन इतना जरूर पता है, किसी करीबी ने उसे फोन कर बुलाया था, इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। घर से तो दावत थी दो जगह, लेकिन इस लड़के ने जो फोन किया है, इसने पहले बुलाया कि हमारे यहाँ पहले आ जाओ, आप दावत में बाद में चले जाना। वो उतर रखी है दावत अपना, यहाँ हमारे यहाँ पहले इंजॉय करो आके, यहाँ बुलाया, पैसे का लालच दिया, और जो भी पैसा उस लड़के में था कि जो कुछ क्या था ऐसा कुछ, उस लड़के ने बुलाया, उसी पे गए। कितने लड़के वहाँ मौजूद थे हम नहीं बता सकते हैं। कोई लेन देन का मामला सब लेन देन का मामला हो क्या, हमें तो कुछ इस बारे में जानकारी नहीं, वैसे ऐसा कुछ होगा जैसे कुछ होगा। जिसने ये मारा है वो इनका कौन लगता था और क्यों मारा है? अब ये तो हम नहीं बता सकते क्यों मारा, उसको पैसे का लेन देन था, क्या बात थी, हम क्या बताएं, हमें कभी इस बारे में कोई जानकारी। चौबिया थाना पुलिस को विपिन यादव नाम के युवक की हत्या की खबर मिली थी। सामुदायिक केंद्र पर खून से लथपथ उसका शव पड़ा था। युवक को इलाके में ही दो जगह दावत के लिए जाना था। वो तैयार होकर घर से निकलता उससे पहले ही किसी का फोन आया। वो उससे मिलने चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। परिजनों के मुताबिक सूरज नाम के किसी दोस्त ने उसे बुलाया था। घर वालों के मुताबिक विपिन की दोस्ती सूरज नाम के एक लड़के से थी, लेकिन कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया था। तभी से उनके बीच बातचीत बंद थी और सूरज उससे रंजिश रखने लगा था। आरोप है कि सूरज ने ही उसे फोन कर फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के खाली पड़े सामुदायिक केंद्र पर बुलाया और शराब पिलाकर उसे गोली मार दी। शहीद नितिन के चचेरे भाई, उनके ताऊ जी के बेटे हैं ये विपिन, इनकी हत्या हो गई है। पता ये चला कि कल शाम को किसी ने फ़ोन पर उनको बुलाया है, और फ़ोन पर बुलाने के बाद बाद में अभी सवेरे डेड बॉडी मिली, और इससे ज़्यादा अभी कुछ मालूमात नहीं। कब से गायब थी? कल शाम 7 बजे से बुलाया किसी ने फ़ोन पर, गायब। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सूरज को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन हत्याकांड की वजह क्या रही इस बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र एक मामला जिसमें एक दोस्त के द्वारा दूसरे युवक की हत्या कर दी गई, पुलिस के द्वारा डेड बॉडी बरामद कर ली गई, साथ साथ अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, जो विधिक कार्रवाई संपन्न कर रही है। क्या मामला निकल के आ रहा है, किस वजह से ये हत्या की गई दोस्त ने? ये अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके उपरांत कुछ कहेंगे। विपिन यादव बारामूला में आतंकियों के हमले में शहीद नितिन यादव का चचेरा भाई है। विपिन की हत्या में सूरज का ही हाथ है या फिर साजिश के पीछे कोई और है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है, लेकिन सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए इटावा से अनु चौरसिया, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। संपत्ति की खातिर लोग अपनों के खिलाफ भी साजिश रचने में देर नहीं लगाते। हरदोई में एक हफ्ते पहले एक महिला की लाश बरामद हुई थी। हत्यारों ने उसकी लाश तालाब के पास दफन कर दी थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो जल्द ही हत्याकांड का सच सामने आ गया। आरोप है कि सौतेले बेटे और पति ने ही संपत्ति की खातिर महिला की हत्या की थी। पुलिस गिरफ्त में गुलाबी शर्ट पहने खड़े इस युवक का नाम सौरभ है। इसके साथ है इसका दोस्त दीपक। सौरभ पर सौतेली मां के कत्ल का संगीन आरोप है। दोस्त दीपक और पिता के साथ मिलकर इसने रात में सोते वक्त सौतेली मां की हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को बाइक पर लादकर गांव से दूर नाले के पास जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन लाश पूरी तरह से नहीं दबी थी, जिससे खूनी साजिश का सच सामने आ गया। महिला के दामाद ने थाने में FIR दर्ज कराई थी,
जिसके बाद पुलिस ने फरार बेटे सौरभ को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। हत्या की वारदात कछौना थाना क्षेत्र के दीननगर गांव की है। यहां रहने वाली बुजुर्ग महिला सरोजनी के पति रामध्यान ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन पुलिस को गांव से दूर नाले के पास शव दफन होने की खबर मिली। शव सरोजनी का ही था। महिला के दामाद ने उसके पति और सौतेले बेटे पर हत्या का शक जाहिर किया था। जांच में संपत्ति की खातिर कत्ल की बात सामने आई है। विवेचना के दौरान एक बात प्रकाश में आई कि उसी के जिस परिवार में रहती थी उसके एक लड़के और जिसके साथ रह रही थी वो साथ ही साथ लड़के के दोस्त, ये तीनों लोगों ने मिल करके उस महिला की रात में हत्या कर दिए थे और हत्या करने के बाद ले जा करके सौ नाले में जो कि गांव के बाहरी पास में स्थित है वहां पर उसको गाड़ दिया था। इस संबंध में दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है और एक अभी गिरफ्तारी है शेष है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शव मिलते ही सरोजनी का पति रामध्यान और बेटा सौरभ घर से फरार हो गए, लेकिन सर्विलांस के जरिए पुलिस ने बेटे सौरभ और उसके दोस्त दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि महिला सरोजनी की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने हिस्से की जमीन और संपत्ति बेटी को ही देना चाहती थी। इसी बात को लेकर पति और सौतेले बेटे से उसका आए दिन झगड़ा होने लगा था। ये जो इनसे पूछताछ किया गया उससे पता चला कि ये उसकी हत्या, महिला की हत्या उसके घर में ही सोते समय कर दिए थे और मोटरसाइकिल पर लाद करके ले जा करके गांव के बाहर इसको नाले में वहाँ फावड़े से खोद करके ज़मीन में वहाँ गाड़ दिए थे। पूरी तरह से गाड़ नहीं पाए थे चूँकि प्रातः होने लगी थी, तो इसलिए वो उसी में ऊपर से कुछ आसपास से घास फूस और साथ ही साथ इनका ये कहना था कि ये रजाई वजाई भी डाल दिए थे ऊपर से और साथ में नमक डाल दिए थे जिससे वो गल जाए। संपत्ति के लिए रची गई खूनी साजिश से हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर के अंदर ही सरोजनी का गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को नाले के पास गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए पति ने खुद ही पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आरोपी पति रामध्यान अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर में मां की डांट से नाराज नाबालिग घर से निकली तो गांव के एक युवक ने उसे कैद कर लिया। आरोप है कि कमरे में बंद कर युवक ने लड़की के साथ दो दिन तक रेप किया। पीड़ित परिवार बेटी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। किसी तरह बड़ी बहन को भनक लगी तो उसने पुलिस को मामले की खबर दी, जिसके बाद आरोपी पकड़ा गया। मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंची इस नाबालिग लड़की के साथ ऐसी ज्यादती की गई कि सुनकर हर कोई सन्न है। मां की डांट से नाराज होकर घर से जाना इसे इस कदर भारी पड़ा कि ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। आरोप है कि गांव के एक युवक ने इसे अपने घर में कैद कर लिया और बंधक बनाकर दो दिन तक हैवानियत की। किसी तरह परिवार को बेटी के आरोपी के घर में कैद होने की खबर मिली तो पुलिस को फोन किया, जिसके बाद नाबालिग को आरोपी के चंगुल से मुक्त करवाया गया। ऐसा रहा कि हम हिताई नताई हेरे लगे, काल भर हेरा, परसों भी हेरा, नहीं पा। आज माँ बड़ी वाली लड़की बाहर भीतर गई तो हाथ पाए बहुत होत रही, तब देखे सू तो कही मम्मी रे जो सूट पहने रही वह सूट कर उसके घर में बा। हम पा बेटी झूठ तो नहीं बोलते है कि झूठ तो नहीं बोले, कहीं नहीं मम्मी सही। तब सौ नंबर पर आप लोग सौ नंबर फोन किए, बिटिया का कहां से मिली है? उसी से की घर, ओकरे घर से। हां प्रधान आन ताला तोड़वान के निकली। मां के मुताबिक उसने नाबालिग बेटी को एक थप्पड़ मार दिया था जिससे वो इस कदर नाराज हुई कि घर से चली गई।
परेशान माँ और बहन उसकी तलाश में भटकती रहीं। रिश्तेदारों के यहाँ भी पता किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। दो दिन बाद बड़ी बहन ने लड़की को आरोपी युवक के घर में देखा तो माँ को बताया, जिसके बाद माँ ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसको बंधक बना करके और उसके साथ में इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तहरीर पर विंध्याचल में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, 164 के बयान कराए जाएंगे। आज अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित लड़की की उम्र अभी 14 साल है। परिवार के मुताबिक आरोपी ने बेटी को कमरे में बंद कर रखा था और बाहर से ताला लगा दिया था ताकि किसी को भी पता ना चले। परिवार ने पुलिस और गांव के प्रधान को खबर दी, जिसके बाद ताला तोड़कर पीड़ित को आजाद कराया गया। अगले दिन पुलिस ने आरोपी कालिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को उसकी मां ने किन्हीं कारणों से डांट डपट दिया था, जिससे वो घर से निकल गई थी। इसके पश्चात ये मुलजिम इसको अपने घर पे ले गया और वहीं पर रखे हुए था। कितने दिन से अपने घर पर? ये 2 दिन अभियुक्त के घर पे रही है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? विवेचना की जा रही है। इसमें जो सम्यक साक्ष संकलन है किया जा रहा है, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है और कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ने जिस तरह से नाबालिग को घर में बंधक बनाकर 2 दिन तक हैवानियत की, उससे हर कोई सकते में है। फिलहाल पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का मेडिकल और उसका बयान भी दर्ज कराया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए मिर्जापुर से सुरेश सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में महिलाओं से छेड़खानी और बदसलूकी के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, लेकिन यूपी पुलिस खुद ही रोमियो बनी हुई है। बदायूं के बाद अब कौशाम्बी में चौकी इंचार्ज और 4 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। चौकी के फॉलोवर पर महिला और उसकी बेटियों से छेड़खानी का आरोप है, जबकि सिपाहियों पर उसे शह देने और कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन वो खुद ही अगर छेड़खानी को शह देने लगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? तस्वीर में दिख रही महिला और उसकी बेटियों ने चौकी इंचार्ज और सिपाहियों पर बदतमीजी और छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का घर चौकी के ठीक सामने ही है और वो अपनी 2 बेटियों के साथ रहती है। पीड़ित के मुताबिक सिपाहियों की शह पर चौकी पर तैनात फॉलोअर ने उनकी बेटियों के साथ छेड़खानी और हाथापाई की। मदद की गुहार लगाए, पुलिस वाले उल्टा ही हमको बोल रहे थे कि तुम औरत हो, औरत जैसे रहो, उससे बदतमीजी मत करो, वो तो लड़का है, वो तो बदतमीजी करेगा ही, तुम लोग चुपचाप रहो, बोलो नहीं। तभी मेरी दोनों बेटी बोली, बोलती है कि मतलब हम क्या, क्या पुलिस वाले कह रहे थे क्या कुछ लड़के से कि उस छेड़खानी करो? पुलिस वाले सिखा के भेजे थे ना। घटना कोखराज थाना इलाके की सिंधिया पुलिस चौकी की है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी फॉलोअर शिव बाबू पिछले कई दिनों से उन्हें मोबाइल पर फोन कर परेशान कर रहा था। मना करने पर वो जबरदस्ती करता। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज से की तो उसने आरोपी पर कार्रवाई के बजाय उल्टा उन्हें ही धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सीओ सिराथू से मामले की शिकायत की। महिला के बेटी के मुताबिक आरोपी फॉलोवर शिव बाबू उनके घर पहुंचा और बेल बजाई। उसने गेट खोला तो आरोपी ने उनका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। लड़की के चिल्लाने पर उसकी मां और छोटी बहन भी बाहर आ गई। आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट और अभद्रता की। पूरी घटना के दौरान चौकी पुलिस मूक दर्शक बनी रही और पीड़ित महिला को ही गलत साबित करने में जुटी रही। पीड़ित परिवार ने सीओ सिराथू से मामले की शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच कर एसपी को रिपोर्ट सौंपी। एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चौकी इंचार्ज और 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया।
ये सिपाही हैं और हमें दरोगा। कितने लोग हैं? कुल टोटल 5 लोग हैं। प्राइमर फेसी इसमें लापरवाही किसकी नजर आ रही है? आरोपी फॉलोअर शिव बाबू के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है, लेकिन चौकी के सिपाहियों के करतूत ने एक बार फिर पुलिस की कारगुजारी की पोल खोल दी है। क्राइम कंट्रोल के लिए कौशाम्बी से शेषधर तिवारी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में फायरिंग के दौरान महिला की मौत हो गई। घुड़चढ़ी के दौरान बारातियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके चपेट में 70 साल की एक महिला आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना चरथावल थाना इलाके के गांव न्यामू की है। यहां पर सूबे सिंह नाम के व्यक्ति की लड़की की शादी थी और बारात फुकाना से आई थी। घटना के बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया। गोली चलाने का आरोप बारात में आए सचिन नाम के युवक पर लगा। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। बैनपुरी में भीड़ ने चोरी के आरोपी को पकड़कर उसे बुरी तरह पीट डाला। घटना थाना दन्नाहार इलाके के कपूरपुर गांव की है। गांव वालों के मुताबिक वो एक किसान के खेत से सबमर्सिबल चोरी कर रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद सबने मिलकर उसकी जमकर धुनाई कर डाली और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की बात कबूल कर ली है। शामली के जंजाना कस्बे में एटीएस ने एक संदिग्ध युवक अब्दुल्ला रहमान को पकड़ा है। बाद में एटीएस ने उसके घर से पासबुक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया। युवक के पकड़े जाने के बाद उसके पिता ने स्थानीय लोगों के साथ पुलिस अफसरों से मुलाकात की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाहर से इनपुट मिलने के बाद युवक को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं युवक के पिता ने बेटे को निर्दोष बताया है। हरदोई के बघोली में एटीएस ने संदेह के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई सिम कार्ड्स और इंटरनेशनल कॉल ट्रांसफर करने का सामान बरामद हुआ। युवक का नाम सुशील कुमार सिंह है। अभी से पूछताछ चल रही है। हाईस्कूल पास सुशील कुछ महीने से बघोली के बाजार में एक दो मंजिले मकान में रह रहा था। गुप्त जानकारी के आधार पर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एटीएस ने मकान के ऊपरी हिस्से में छापेमारी की और यहां एक टेलीफोन एक्सचेंज जैसा सेटअप तैयार था। छापेमारी टीम ने सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी तक पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं पकड़ा गया लड़का खुद को एक टेलीफोन कंपनी का कर्मचारी बता रहा है। सहारनपुर दूधली में कार्यक्रम को लेकर दो गुटों में हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल कुछ युवकों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद दूसरा गुट भी सामने आ गया तो हिंसक झड़प शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि ये मामला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिसके बाद उपद्रवी गली से निकलकर सड़क पर आ गए और दुकान से फर्नीचर निकालकर सड़क पर आगजनी कर दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अक्सर वही धोखा देते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। हरिद्वार में पति पर ही पत्नी की हत्या का आरोप है तो हरदोई में बेटा ही सौतेली मां का कातिल बन गया। इटावा में दोस्त पर ही युवक की हत्या का आरोप लगा है। लिहाजा जरूरत है हर वक्त और हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।